डाइट गौना करौर ने शिक्षक अभिभावक संवाद ईपीटीएम को सफल बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए हाल ही में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें ब्लॉक लेवल पर एक्शन प्लान तैयार किया गया, ताकि 4 जून को जूम ऐप पर सिलेक्ट अभिभावक व टीचर शिक्षा मंत्री से रूबरू हो सके। इसके अलावा छात्रों के अभिभावकों को YouTube लाइव पर ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। बता दें कि प्रदेश भर में शिक्षक अभिभावक संवाद ईपीटीएम का शुभारंभ 4 जून को शिक्षा मंत्री शाम 3 बजे जूम ऐप पर लाइव होंगे। शिक्षा अभिभावक संवाद 5 से 8 जून तक जारी रहेगा तथा 9 जून को शाम 3 बजे शिक्षा मंत्री अभिभावकों के सुझावों व दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि ऑनलाइन शिक्षा को और कारगर बनाया जा सके। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर समग्र शिक्षा। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर शिक्षा विभाग के समक्ष अनेकों प्रकार की चुनौतियां हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई मेजर कंसर्न होता है। अब अभिभावक भी चिंतित इसके लिए हैं, शिक्षक भी इसके लिए चिंतित हैं। विभाग ने हर तरह का प्रयास किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रहे, उसके लिए हर घर पाठशाला के माध्यम से बच्चों को ई कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त ऑफलाइन शिक्षण सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। टीचर्स लाइव सेशंस के माध्यम से बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ऑनलाइन मोड में बच्चों की या अभिभावकों की कुछ एक शंकाएँ या चिंताएँ होना स्वाभाविक है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक कार्य योजना तैयार करी है कि अभिभावकों के साथ अध्यापक सीधा संवाद करें और विभिन्न इश्यूज के ऊपर वार्तालाप करें। हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय 4 जून को ठीक 3 बजे YouTube के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। तो आपसे सभी से आग्रह है कि इस यूट्यूब सेशन को ज्वाइन करें। इसके अतिरिक्त 30 अभिभावक और अभिभावक, यानी कि 15 अभिभावक और 15 हमारे शिक्षक हर एक जिला से लाइव जुड़ेंगे। वो शिक्षा मंत्री महोदय के साथ इस चर्चा में भाग लेंगे और विभिन्न विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा की जानी है। उसके बाद 5 जून से लेकर 8 जून तक शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। आधे घंटे का हमने शेड्यूल बनाया है और विभिन्न बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी और उसकी फीडबैक जो है वो ली जाएगी ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उसके बाद 9 जून को फिर से शिक्षा मंत्री महोदय जी हमारे बीच में रूबरू होंगे और जो फीडबैक हमें फील्ड से मिलेगी उनके विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विस्तृत चर्चा की जानी है। और उस मीटिंग में भी जूम के माध्यम से 15 अभिभावक और 15 शिक्षक हर एक जिला से जुड़ेंगे और सारे इश्यूज के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस शिक्षा संवाद को कामयाब बनाने के लिए इस हमारे ऑनलाइन मोड में आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करें और इस हमारे अभियान को सफल बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करेंगे। शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।